हम होम मेकर्स का पूरा दिन कैसे जाता है वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। छोटे से लेके बड़ा काम, हर तरीके के काम करने की हमें आदत होती है। हेलो एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। होम मेकर्स को अपने घर को क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि अगर घर साफ सुथरा रहे, कोई भी आए तो हमेशा तारीफ़ करे। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखें, आज हम बात करेंगे उसी बारे में। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक घर में आपको हाउस हेल्पर मिले, यानी कि मेड मिले। कई घर ऐसे होते हैं जिसमें होममेकर्स खुद ही अपना काम करना पसंद करती हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, या फिर ये लगा लीजिए उन्हें पसंद है कि हाँ हमारे साथ में कोई ना कोई हाउस हेल्पर ज़रूर हो। दोनों ही शर्तों में हमें मतलब होममेकर्स को अपनी आदतों में चेंज लाना चाहिए। कुछ हैबिट्स को ऐसा है जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो घर है वो हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहे। कोई अगर दूसरा भी हमारे घर में आए ऑन द स्पॉट तो वो भी हमारे घर की तारीफ़ करे, और तारीफ़ सुन के हम होममेकर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई हमारी अगर रियली प्रेज करता है, जब कोई अप्रिसिएशन करता है तो मोटिवेशन मिलती है हमें अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन तो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए ही होती है। आज मैं सोफ़ा की अपनी सेटिंग थोड़ा चेंज कर रही थी तो मुझे माइंड में आया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये पॉइंट शेयर करूं, शायद आप लोगों के भी ये काम आ जाए। देखिए, मैंने ना अपने सोफ़ाज़ के पीछे जो मैंने वॉल को टच किए हुए हैं उनके साथ मैंने इस तरीके के वेस्ट कार्डबोर्ड पीसीस कट करके ऐसे उनके साइड पे लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोफ़ा हमारे बच्चे जो रहते हैं पुश कर देते हैं, वो वॉल से टच हो जाता है, उससे हमारा सोफ़ा भी ख़राब हो जाता है, और वॉल पे अगर मॉइस्चर होता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो ये छोटा सा वेस्ट मटेरियल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप लोग भी इस तरीके को अपना के देखिएगा, शायद आप लोगों को भी हेल्प मिले और आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगे। अब हम बात करते हैं उस बारे में कि जहाँ पे मेड नहीं होती हैं। तो देखिए, उस कंडीशन में ना मतलब हम होममेकर्स डेली अपने घर को क्लीन करती हैं, ये लगा लीजिए कि डेली एक एक पार्ट जो है, एक एक कॉर्नर हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ आज हमें इस कॉर्नर को क्लीन करना है और कल हमें उस कॉर्नर को क्लीन करना है। तो डेली का डेली जो है वो क्लीनिंग होता रहता है, लेकिन उसमें डस्टिंग के लिए भी ना आप अपना 5 से 10 मिनट ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि डेली बेसिस पे हमें क्लीनिंग के लिए स्पेशल टाइम जो है वो ऑक्यूपाई ना करना पड़े। क्योंकि अगर स्पेशल डे हम लोग इन छोटे मोटे कामों के लिए बुक करते हैं ना, तो बाकी के जो काम होते हैं हमारे वो पेंडिंग रह जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उन घरों के बारे में जहाँ पे हाउस हेल्पर्स होती हैं। देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है कि हाउस हेल्पर्स के पास एक घर नहीं होता है, एटलीस्ट वो 5 से 10 घर जो है डेली बेसिस पे क्लीन करती होती हैं। तो उनके पास इतना एफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो उसमें हमारे घर को डीप क्लीन कर पाए। वो सिर्फ आगे आगे से ही आपका झाड़ू पोछा जो है वो क्लीन करते हैं, मतलब पूरा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो उसमें हम होममेकर्स को चाहिए कि हम लोग भी हाउस हेल्पर के साथ लगे, वो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम जो है अपने घर को ज़रूर दें। सिर्फ एक झाड़ू पोछे से घर के अंदर बात नहीं बनती है, जितनी भी डस्टिंग रहती है और मेन पार्ट्स जो रहते हैं, हम खुद टाइम निकाल के उनको साथ के साथ ही क्लीन करें, फिर घर हमेशा ही क्लीन रहेगा। आज मुझसे एक ऐसी गलती हुई जिससे मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने सोचा आप लोगों को भी वो चीज़ मैं शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ। आज घर की क्लीनिंग के चक्कर में ना मैंने सभी मैट्स जो हैं वो वॉश कर दिए, और वॉश करते टाइम पे वैसे तो मैं ऑलमोस्ट अपने हैंड से ही वॉश करती हूँ, वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज सोचा कि चलो वॉशिंग मशीन में साइड बाय साइड ये वॉश होते रहेंगे। तो मैंने सारे के घर के जितने भी मैट्स थे मैंने उठा के एग्जैक्ट वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि उसमें कुछ मैट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका बूर निकलता है इस तरीके का, वो दूसरे मैट को गंदा कर पाएंगे। तो बस यही मुझसे गलती हुई, और एक इस वाले मैट पे, ये मेरा मेन डोर का मैट है, इस पे इतने गंदे तरीके से सारे मैट का बूर आ गया ना, मतलब मुझे इसको आप ये लगा लीजिए पूरा मतलब 1 आवर लगा मुझे ये मैट क्लीन करने में। मैंने बीच में ब्रश से भी क्लीन किया बट ब्रश के ऊपर भी ना ये सारा बूर इतने गंदे तरीके से आ गया,
वो क्लीन नहीं हो पाया। फिर मैंने इसको हाथ से ही ऐसे चूंट चूंट के निकाला, ऐसे क्लीन किया, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया एंड इट इज़ ऑलमोस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। एक तरीके का ये मेरे साथ पॉपअप हो गया आज, क्योंकि लाइफ में मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। जिन कपड़ों का या फिर जिन मैट्स का आपके इस तरीके से बूर निकलता है, आप उनको हमेशा सेपरेट वॉश ही कीजिए, ताकि आपका दूसरा जो कपड़ा है वो गंदा ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपका वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है। वो टाइम जो है आप अपना किसी और जगह पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मेरा हाथ जो था ना वो पूरा पेन करने लग गया ये करते करते। फिर उसके बाद जितने घर की मेरी चेयर्स थी वो भी मैंने अच्छे से क्लीन की। एक दिन आपको भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए, आपके घर में प्लास्टिक की चेयर्स हों या फिर जो भी मतलब आइटम्स आपके पास रहती हैं, उनको इस तरीके से अच्छे से क्लीन करके धूप में सुखा लीजिए। उससे भी आपका जो घर है वो हमेशा क्लीन रहेगा। यहाँ मेरे जो बर्तन झूठे पड़े थे, बस उसमें से ही उठा के मैंने मतलब एज अ मग उसको यूज़ कर लिया, मिक्सी के जार को, और उसी से ही मैंने इसको क्लीन कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आप वीडियो में बताई गई ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर करेंगे। वीडियो आपको रियली अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।